चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी की बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन शामिल विधायक, सांसद और कई दिग्गज नेता बैठक में मौजूद। विधान परिषद चुनाव को लेकर हुआ मंथन, चुनावी रणनीति और जनप्रतिनिधियों को दी गई जिम्मेदारी। वोटर्स पर विशेष फोकस करने की मिली कमान। एमएलसी की पांचों सीटों पर जीतेगी बीजेपी, ऐसा कहना है भूपेंद्र चौधरी का। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में हुआ सभी का विकास। शिक्षक वर्ग बीजेपी के पक्ष में करेगा मतदान, ऐसा भी उन्होंने कहा। और आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगा रोजगार, ऐसा कहना है जेपीएस राठौर का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। कह सकते हैं बड़ा मंथन हुआ है, आगामी चुनाव को लेकर यह मंथन किया गया है। सरकार आने के बाद जहां बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर थी, अखिलेश जी छोड़ के गए थे, आज 2.9% रह गई है। और आगे आने वाले 4-5 सालों में इसी सरकार में हम ये बेरोजगारी दर को जीरो कर देंगे। और ये भी स्थिति हो सकती है एक एक नौजवान को दो दो तीन तीन नौकरियों की ऑफर रहे देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है पूरे प्रदेश में और देश में, और ख़ासतौर से पढ़े लिखे वर्ग में, तो विशेष तौर से तो चुनाव को जीतने की हमारी तैयारी है और चुनाव जीतेंगे। चलिए इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, विधान परिषद चुनाव को लेकर ये जो मंथन हुआ है, इसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? पार्टी प्रदेश कार्यालय में विधान परिषद चुनाव को लेकर तमाम तरीके के जो तमाम जो संगठन के मंत्री हैं और पदाधिकारी हैं वो बैठक कर रहे हैं। साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी भी इस बैठक में हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधान परिषद चुनाव को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी हो, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह हो, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व वो यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, बैठक में कानपुर उन्नाव में जो शिक्षक सीट है, कानपुर स्नातक और झांसी प्रयागराज और तमाम जैसे ये जो सीटें हैं एमएलसी की, पांच सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से दो सीटों पर निर्दलीय का खर्चा है और तीन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत जल की थी। तो इस तरीके से लगातार आने वाले निकाय चुनाव भी हैं और लोकसभा चुनाव है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ठीक चुनाव से पहले अपने संगठनात्मक बैठक करती है। उस बैठक में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की अगर बात करें, या फिर कुछ ही दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे थे, तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने हर तरीके की रणनीति तैयार करती है कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो जो योजनाएं हैं वो जनता तक कैसे पहुंचाई जाए। और चुनाव को लेकर जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं या कह लीजिए जो बूथ स्तर पर उनके जो कार्यकर्ता है वो उस तरीके से वहां पर पहुंचेंगे और चुनाव को लेकर तरीके की जो समीक्षा बैठक है वो अंदर चल रही है। जी अविनाश, और अभी हमने भूपेंद्र चौधरी को भी सुना, उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि एमएलसी की पांचों सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाएगी, तो इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, आपने ठीक कहा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो या फिर आज जो एमएलसी पांच सीटों पर जो चुनाव होने उसको लेकर आज जिस तरीके से बैठक चल रही है, तो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश कार्यालय में तमाम तरीके की बैठक कर रही है, तमाम पदाधिकारी भी मौजूद है। हम कह सकते हैं कि जो एमएलसी चुनाव होता है वो सत्ताधारी पदाधिकारी का होता है। इसमें आपको बता दें, पांच जो एमएलसी सीटें हैं उस पर तीन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और दो सीटें जो है वो एमएलसी की वो निर्दलीय के खाते में है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि इन पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करे, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में यहाँ पर अहम बैठक चल रही है। बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि आने वाले निकाय चुनाव भी नजदीक है और आने वाले 2000 लोकसभा 24 में को भी लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर बैठक का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी दिख रहा है। जीवनाश, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि काफी एक्टिवली जो है बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है और एक भी सीट वो मिस नहीं करना चाह रही कहीं से भी, और काफी एक्टिवली बीजेपी का काम चल रहा है।
जी बिल्कुल, आपने देखा हो चाहे निकाय चुनाव हो या फिर आने वाला विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जो संगठनात्मक बैठक है इससे पहले भी कर चुकी है। तो जिस तरीके से एमएलसी के जो 5 सीटों पर चुनाव होने, जो शिक्षक आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर बैठक में शामिल होते हैं। चुनाव से ठीक पहले तमाम तरीके की समीक्षा बैठक होती है, संगठनात्मक बैठक होती है कि किस तरीके से एमएलसी के जो चुनाव उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी 5 सीटों पर जीत करने का जो दावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। साफ तौर पर भी कुछ ही देर पहले बैठक से पहले उन्होंने एक बयान दिया है कि हम 5 सीटों पर जो एमएलसी की सीट है उन पर जीत दर्ज करेंगे। अविनाश, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है इन सब पर, बीजेपी की इस बैठक पर विपक्ष क्या प्रतिक्रिया दे रहा है अपनी? देखिए बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा कि विपक्ष की क्या भूमिका है, तो विपक्ष सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत विपक्ष समाजवादी पार्टी का कहा जाता है, जिसके अभी किसी तरीके के जो एमएलसी की जो 5 सीटें हैं उन पर अभी किसी तरीके कोई उम्मीदवारों की भी घोषणा नहीं की, लेकिन लगातार आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, तमाम जो विपक्षी दल है वो भी अपने जो है कहने की संगठनात्मक बैठक लगातार कर रहे हैं। अभी तरीके किसी तरीके ने अभी किसी नाम की जो सूचना है या सूची है या जिस क्षेत्र में जो उनके मतलब सदस्य है या कह लीजिए कि जो नाम है उनका अभी तक किसी तरीके से जारी नहीं किया, लेकिन तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तैयारी जोरों से है इसी चुनाव को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां बीजेपी का मंथन जो है शुरू हो गया है, प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है और लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि क्या कुछ बातें वहां से निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ कहा है नेताओं ने, मंत्रियों ने, और आगामी चुनाव को लेकर कितनी ज्यादा अलर्ट है पार्टी।